गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास यूकेजी। चिल्ड्रेन, टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ दिस एंड दीज। आज का टॉपिक आपका है दिस एंड दीज। दिस मीन्स यह, दीज मीन्स ये सब। जब एक सामान होता है तो हम लोग दिस यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैन। व्हाट आर दिस? दीज आर कैंस। तो जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग कैन में क्या ऐड करेंगे? यस, एस ऐड करके उसको हम लोग प्लूरल में चेंज कर देते हैं। तो अभी हम आप लोगों को लास्ट वीडियो तक पढ़ा रहे थे वन एंड मेनी, अब पढ़ाएंगे दिस एंड दीज। लेट्स स्टार्ट। यू एस ई यूज ओ एफ ऑफ टी एच आई एस दिस ए एन डी एंड टी एच ई एस ई दीज। यूज ऑफ दिस एंड दीज, हम लोग आज दिस एंड दीज का यूज करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैन। यह एक कैन है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? दिस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस? टी एच आई एस। दिस इज अ सी ए एन कैन। दिस इज अ कैन। यहाँ पर एक कैन है तो हम लोग दिस इज अ कैन ए भी यूज़ करेंगे और कैन भी यूज़ करेंगे। दिस के साथ हमेशा इज आता है। दिस कब यूज़ करते हैं? जब ओनली वन थिंग होते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दिस। और मोर देन वन थिंग हो जाते हैं तो हम लोग दिस यूज़ करते हैं और कैन की जगह पर एक कैन नहीं लिखेंगे, कैंस लिखते हैं। दिस एंड दिस आर यूज फॉर थिंग्स विच आर नियर अस। दिस एंड दिस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई सामान हम लोगों के नियर होता है। दिस इज़ यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट। दिस को यूज़ करते हैं जब वन ऑब्जेक्ट हम लोग के नियर होता है। एंड दिस फॉर मेनी ऑब्जेक्ट। दिस यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम लोगों के नियर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? तो ये देखिए, एक कैन है और ये नियर है तो दिस इज अ कैन। यह एक कैन है, दिस आर कैंस। ये देखिए, एक से ज़्यादा कैन हम लोग के नियर है तो हम लोग यूज करेंगे दीज आर कैंस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दीज? दीज आर कैंस, सी ए एन एस कैंस। दीज आर कैंस। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट। हाउ मेनी बंस आर देयर? देयर आर वन बन। तो हम लोग बन के लिए, एक बन के लिए और वो हम लोग के नियर होगा तो क्या यूज़ करेंगे? सेंटेंस कैसे बनाएंगे वन बन के लिए? व्हाट इज दिस? दिस इज अ बन। स्पेलिंग ऑफ दिस? टी एच आई एस। दिस इज अ बन। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, मोर देन वन बंस बने हुए तो हम लोग इसको बन नहीं कहेंगे, बंस कहेंगे। क्या कहेंगे? बंस। और जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो दिस क्या हो जाता है? दीज। यहाँ पर हम लोग दिस नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? दीज। इज़ नहीं यूज़ करते हैं, इज़ मीन्स होता है, आर मीन्स भी होता है, पर जब एक सामान होता है तो हम लोग इज़ वाला है यूज़ करते हैं और जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो आर यूज़ करते, आर मीन्स है, ये प्लूरल के साथ आता है। दीज आर और ए नहीं यूज़ करेंगे। ए सिंगुलर को पॉइंट आउट करता है कि ये अके एक है। और हम लोग जब बंस लिखेंगे तो बंस क्या बताता है? कि ये एक से ज़्यादा है, मेनी है, तब हम लोग बन में एस ऐड कर देते हैं, बंस। दीज आर बंस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वहाँ, यहाँ पर वन गन बना हुआ है और यहाँ मेनी गन है तो मेनी गन को हम लोग गन्स लिखते हैं। व्हाट इज दिस? सेंटेंस कैसे बनाएंगे एक गन के लिए? दिस इज अ गन। और यहाँ एक से ज़्यादा गन है तो क्या यूज़ करेंगे? एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग दिस यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं? दीज। टी एच ई एस ई दीज, ए आर ई आर जी
GUNS, guns, okay. What is this? This is a ball. यह एक बॉल है. तो सेंटेंस कैसे हम लोग बोलेंगे? दिस इज अ बॉल, दीज आर बॉल्स. टी एच आई एस, दिस इज अ बी ए डबल एल बॉल. दिस इज ए बॉल और यहाँ मिनी बॉल बने हुए हैं. तो दिस क्या हो जाता है? एक से ज़्यादा तो दिस की जगह हम लोग दीज यूज करते हैं. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस? टी एच ई एस ई, दीज आर बॉल्स. यस, ऐड कर देंगे, दीज आर बॉल्स. डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? रिपीट अगेन, रीड लाउडली, तेज तेज आप लोग पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैन. टी एच आई एस, दिस आई एस इज ए सी ए एन, कैन. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैन. What are these? T H E S E, these. A R E R C A N, yes. इसमें क्या ऐड कर दिए? S. और these की जगह हम लोग these लिखते हैं. जब one thing हमारे near होगा तो this use करेंगे. This के साथ हमेशा is आता है और वह एक होगा तो उसके साथ article भी use होता है, a, can. और जब एक से ज़्यादा हो जाता है, more than one thing हमारे near हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं these are कैंस. तो दिस की जगह एक से ज़्यादा है और नियर है तो दिस, और इस की जगह आर, और कैन की जगह हम लोग कैन में एस ऐड कर देते हैं, कैंस. दीज आर कैंस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैन. व्हाट आर दिस? दीज आर कैंस. नेक्स्ट, दिस इज ए बन, दीज आर बंस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बन. What are these? These are buns. Next, what is this? This is a gun. What are these? These are guns. What is this? What is this? This is a ball. What are these? These are balls. तो आप लोग अपने नियर एक सामान रखिएगा और सेंटेंस बनाइएगा. जैसे एक कैन रख लिया आपने, कैन की जगह बॉटल भी रख सकते हैं, बुक भी रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं, ग्लास भी रख सकते हैं, जो भी थिंग आपके पास एक हो और नियर हो तो आप उसके लिए सेंटेंस बनाइएगा. दिस इज ए कैन, दिस इज अ, जैसे ये पेन मेरे नियर है, दिस इज अ पेन. अब यहाँ पर अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन हो गया यहाँ पर, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दीज आर पेन्स. ऐसे देखिए, मैंने यहाँ पर फिगर चिपका चिपका करके आपको बताया, पेस्ट किया. दिस इज अ कैन, दीज आर कैंस. दिस इज अ बन, दीज आर बंस. दिस इज अ गन, दीज आर गन्स. दिस इज अ बॉल, दीज आर बॉल्स. इस तरह चिल्ड्रेन आप लोग अपनी क्लास वर्क को करने के बाद रीड अलाउड खूब तेज तेज पढ़िएगा. This is a can. This is a bun. This is a gun. These are guns. This is a ball. These are balls. Okay? Children, इस तरह आप लोग अपनी क्लास वर्क की कापी में ऊपर डालेंगे क्लास वर्क, नीचे लिखेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट दिस. उसके बाद आप लोग ऐसे फिगर पिक्चर कहीं से काट के पेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप बना भी सकते हैं पेंसिल से. उसके बाद जब वन ऑब्जेक्ट आपके मतलब होगा और वो नियर है, दिस इज अ कैन, दीज आर कैंस. दिस इज अ बन, दीज आर बंस. दिस इज अ गन, दीज आर गन. दिस इज अ बॉल, दीज आर बॉल. इस तरह आप जो है बना भी सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द होमवर्क चिल्ड्रेन. टूडेज योर होमवर्क विल बी राइट सिक्स सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दीज. आप लोगों को जैसा मैंने क्लास वर्क में कराया है ऐसे ही आप लोगों को फिगर बनाना हो, फिगर बनाइए. नहीं तो जैसे मैंने सेंटेंस लिखवाया दिस इज ए कैन, दिस आर कैन, इस तरह आप लोग सिक्स सेंटेंसेस ऐसे लिखिए. दिस इज ए बॉल, कुछ भी बन लिख सकते हैं. दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए पेन, दिस आर पेन्स. इस तरह आप लोग सिक्स सेंटेंस दिस एंड दिस का यूज़ करके लिखेंगे नीट एंड क्लीन. अगर आपको नहीं आएगा तो आप अपनी मम्मी पापा का हेल्प लीजिएगा. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.